नमस्कार, मैं हूं राकेश और आप मुझे सुन रहे हो टैक्स जंक्शन पर। तो दोस्तों, IRDAI की तरफ से एक अपडेट आया है, वो अपडेट है लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के लिए। आइए लेते हैं उस बारे में डिटेल में जानकारी। तो यहाँ पे उन्होंने ऐसा बोला है कि आपका जो लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी के प्रीमियम से उसको उन्होंने ग्रेस पीरियड दिया है। अब 31 मई तक आप लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के प्रीमियम पे कर सकते हो। उन्होंने ऐसा बोला है कि पहले हमने 23 मार्च को, उसके बाद हमने 4 अप्रैल को ग्रेस पीरियड दिया था 30 डेज का, और जिनका पॉलिसी का प्रीमियम जो मार्च महीने में आ रहा था और अप्रैल महीने में आया था, उनको हमने 30 दिन का एक्सटेंशन दिया था। लेकिन अब लॉकडाउन और बढ़ गया है, लॉकडाउन अब हुआ है 17 मई तक का, तो इसलिए हम एक्सटेंडेड पीरियड दे रहे हैं कि आप अपने प्रीमियम जो है वो 31 मई तक भर सकते हो। अगर आपका प्रीमियम जो है वो मार्च में ड्यू हो रहा है तो मार्च का आपका प्रीमियम आप 31 मई तक भर सकते हो। यहाँ पे IRDAI ने क्लैरिटी दी है कि सारे पॉलिसी होल्डर्स वो अपने जो ग्रेस पीरियड हमने दिया है वो ग्रेस पीरियड के अंदर पेमेंट करे, ताकि उनकी पॉलिसी जो है वो कवरेज उनको दे पाए लाइफ इंश्योरेंस का। मतलब आपको 31 मई तक पैसे भरने हैं प्रीमियम के, आपके मार्च अप्रैल का बैलेंस जो है वो आपको भरना है 31 मई तक, ताकि आपकी जो लाइफ के लिए उन्होंने जो कवरेज आपको अनाउंस किया है वो आपको मिले। साथ ही साथ उन्होंने बोला है कि लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज जो है वो ऑनलाइन पेमेंट फैसिलिटी का दे रहे, आप ऑनलाइन प्रीमियम भर सकते हो। तो यहाँ पे उन्होंने सिर्फ सिंपली एक बात बोली है, 31 मई तक आप अपना पॉलिसी प्रीमियम भर सकते हो, भले ही आपका प्रीमियम ड्यू था मार्च में और अप्रैल में। एनीवे, अगर आपकी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ड्यू है तो आपके लिए ये खुशखबरी है। आप अपना ख्याल रखिएगा, घर से बाहर जरूरत है तो ही निकलिएगा। टेक केयर, हैव अ नाइस डे।